भैया आप गमछी को उठाइए कपार पे, ऐसे बानिए पगड़ी तनी जबरदस्त, उसके बाद चलिए लिट्टी लीजिए अपना। हाँ लिट्टी लेके जिया हो बिहार के लाला। मचिया तुम भैया नमस्कार, स्वागत बा आप सबके एक नया ब्लॉग में। ई ब्लॉग में हम बिहार यूपी झारखंड के लोगन खाती जो लिट्टी चोखा होला, यूपी में बाटी चोखा कहल जाला, उहे हम बनावल जाल बनी। आप लोग बहुत सारे लिट्टी चोखा का रेसिपी जो है वो देखे होंगे बढ़िया बढ़िया प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पे, किचन में, हाई फाई किचन में। लेकिन गाँव देहात के आदमी जो लिट्टी चोखा बना देगा वो ओरिजिनल लिट्टी चोखा है। आज हम उसी का टेस्ट कराने जा रहे हैं। बहुत सिंपल डिश है, आपको बताते हैं क्या क्या इसमें लगता है। आप आलू ले लीजिए, आलू चोखा बनाने के लिए, भंटा ले लीजिए, बैंगन जिसे कहा जाता है, प्याज है प्याज ले लीजिए, जितना सारा बनाना उसके हिसाब से अंदाज से लेना पड़ता है। इसके अलावा धनिया पत्ता, टमाटर, नींबू जो कि चटनी में लगेगा, तो ये सत्तू होता है, ये बड़ा बिहार में फेमस है और बहुत से चीज़ों में इसका काम आता है। तो इसको लिट्टी के अंदर भरते हैं। और मेन जो चीज़ है वो गेहूं का आटा, ये देखिए गेहूं का आटा है। तो बस अब चलिए सबको काटते हैं, प्याज लहसुन वगैरह जितना है सबको काटते हैं, बारीक बारीक पीसेस में काटना है, बिल्कुल पतला पतला जितना अच्छा हो सके, क्योंकि आपको लिट्टी के अंदर भरना होता है। अगर आप मोटा काटेंगे तो लिट्टी जो है फट जाएगा। लहसुन खाते हैं, अदरक खाते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, आप जो खाते हैं जितना खाते हैं मात्रा में, मिर्च खाते हैं हरी मिर्च उतना तीखा उतना डालिए। और उसके बाद ये है सत्तू, सत्तू जो कि चने का बनता है, और इसमें ये सारी चीज़ों को जो आपने काटा है उनको मिला। और ये देखिए मंगरेल अजवाइन इसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिट्टी के लिए, यही टेस्ट बनाता है ओरिजिनल लिट्टी का, ये डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नींबू ऊपर से डाल दीजिए और दो ढक्कन डाल दीजिए, जितना अगर आधा किलो है तो दो ढक्कन आप सरसों तेल डाल दीजिए, सरसों तेल ही डालिएगा, दूसरा तेल रिफाइंड वगैरह डालेंगे तो वो बेकार टेस्ट कर देगा, इसलिए सरसों तेल कंपलसरी है, वही डालना है आपको, दूसरा नहीं डालना है। और जितना नमक खाते हैं उतना डाल दीजिए। उसके बाद आप कोरिएंडर लीव्स जिसे धनिया पत्ता कहते हैं फ्रेश आप लीजिए, उसको बारीक बारीक काटिए, और जितनी भी चीज़ हों हाथ धोने के बाद अच्छे से आप सत्तू में डाल के उस मिश्रण को मिलाइए, और मिलाने के बाद जो चीज़ बनेगा उसे थोड़ा चखिए, वाओ जबरदस्त, ये मस्त था। अब आप चलिए हम आपको दिखाते हैं आग। अब ये देखिए गोईठा है, गोईठा जो गोबर होता है गाय का उसी का सुखाया हुआ ये है, और ये एक जलावन है, इससे बहुत बढ़िया लिट्टी बनता है। तो इसी को हम जाग लगाए इसमें, और थोड़ा सा जब लहर जाएगा तो इसमें लिट्टी डालेंगे। तो गूंथते हैं लिट्टी को, तो देखिए दोस्तों जो आग है गोईठा का लहर गया है। आप बेना का इस्तेमाल कर सकते हैं, गांव देहात में बेना वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आग को भड़काया जा सके। जब भड़क जाएगा आग पूरा लाल हो जाएगा तभी लिट्टी, या फिर आपको चोखा बनाना है तो आलू वगैरह डालना हो। तो अभी हम चोखा पहले बना लेते हैं इसमें। इट इज़ लुक बहुत सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है ना बैगन टमाटर और आलू को पकने का, वो बहुत प्यारा लगता है। इस तरीके से आपको गूंथना है, और आटा रेडी होने के बाद आपको इसके अंदर भरना है सत्तू। ये देखिए इस तरीके से गोल बना के, जैसे समोसा में भरते हैं वैसे ही सेम इसी टाइप से गोल राउंड बनाते हैं, और वो मिश्रण को भरना है यहाँ पे, उसे बंद करके। और ये देखिए एक्सपर्ट हैं हम लोग तो, वाह। और इसे रखिए आप, तब तक हमारा देखिए ये जो है बैंगन और टमाटर और मिर्च पक गया है, फिलहाल आलू अभी पक रहा है, थोड़ी देर में आलू पक जाएगा। बहुत सिंपल है, बच्चा उच्चा भी बना लेगा, लिट्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं। और सबसे बड़ा बात कि आप जर्नी वर्नी में जा रहे हैं तो ख़राब नहीं होता, प्याज मत डालिएगा,
आप बिहार में कहीं भी लोग जाते हैं ट्रेन वन में तो आराम से लिट्टी ही बनवाते हैं, चाहे छान लेंगे चाहे इसे भर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए बहुत ईजी है, हम लोग समझिए कि एक्सपीरियंस है बचपन से ही, जब से होश संभाला है तब से लिट्टी उट्टी खा रहे हैं। बिहार झारखंड यूपी में लिट्टी मतलब रग रग में है, लिट्टी ही सबसे फेमस। बारात शादी बारात में जाइएगा ना तो लिट्टी यहाँ पे मिलता है, क्योंकि लिट्टी का स्वाद ही अलग है। अगर कभी नहीं खाएं तो बिहार आइए तो ज़रूर, झारखंड बिहार यूपी कहीं भी आइए, पूछिए लिट्टी, और कहीं भी लाइन होटल में कहीं भी मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। पता नहीं रेस्टोरेंट वगैरह बड़े बड़े रेस्टोरेंट में अवेलेबल क्यों नहीं है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बिहार के भी अगर पटना के भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएं तो लिट्टी नहीं मिलता, ये मिलना चाहिए था, ये गलत चीज़ है। अब चलिए हमने लगभग 15-20 लिट्टी बना लिए हैं और ये आलू भी हमारा पक गया है, और आलू का तो कहना नहीं है, जो स्वाद आलू का लगता है आग पे का पकाया हुआ आलू का स्वाद वो कभी भी नहीं, मतलब खुशबू इतना अच्छा आता है इसका ना, सौंधा सौंधा कि अब कहीं मतलब हम लोग खाएंगे एक ठो कच्चा आलू नमक के साथ है। अब देखिए चोखा के लिए हम लोग तो सब कुछ पका लिया, आलू भंटा टमाटर, लेकिन ये जो आलू का टेस्ट होता है आग में पका हुआ का, इतना सौंधापन है, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है कि कह नहीं सकते, रहा नहीं जा रहा लोग खाए हुए। बचपन का याद आ जाता है, बचपन में नज़दीक आवा, बचपन हम लोग ऐसे ही आग वग में पका के गुड़ में लपेट देते थे, गुड़ में लपेट के खाते थे। देखिए अब भिरिया वाह भिरिया वाह एक तरह दिखाएगा वह क्लियर एकदम, फिर नमक में इतना सही लगता है कि हम क्या बताएं आपको। ये पोर्शन ना हटाइएगा मत, ये जो है हटा दीजिएगा तो टेस्ट बदल जाएगा आपका। ये देखिए पक गया है कितना अच्छा से, आपको हम दिखाते हैं खा के कितना टेस्टी है। नमक बोरिए इसको बोर के, और हाँ इनक्रेडिबल, ये टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जो ये टेस्ट है, मिस करते हैं। जो लोग बचपन में खाए होंगे ना आग पे पकाया हुआ आलू, वही समझ सकते हैं इसका महत्व क्या है, इसका टेस्ट क्या है, और बहुत मिस करते हैं। अगर मिस कर रहे हैं इस चीज़ को तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, जबरदस्त है यार, मज़ा आ गया। ये तो गैस पर आप बॉयल कर लीजिए कुकर में इसको, और आलू को और बनाया गया चोखा ना तो वो मज़ा नहीं आएगा जो ये चीज़ आ देगा। ओरिजिनल है, यही फ़र्क होता है ब्रांडेड चैनल जो कि बॉम्बे में बनता है और जो देहात में बनता है, बहुत फ़र्क होता है, टेस्ट भी वैसे ही फ़र्क होता है। दिखाने के लिए वो लोग दिखा देंगे आपको बहुत टेस्टी लुक दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन टेस्ट जो है ओरिजिनल यही इसी में मिलेगा। लग रहा है कि सब खा जाएं, चोखा में डालने के लिए बचा हुआ, चोखा में डालने के लिए आप चलिए चोखा में डालते हैं इसको और चोखा बनाते हैं। तो अब इसमें भी चोखा में भी प्याज और धनिया डाल लेते हैं, और ये देखिए पका हुआ मिर्च का भी स्वाद अलग रहता है आग में। यहाँ पे भी नमक डालेंगे हम, और ये दादाजी वाह। तो भैया देखिए चोखा तैयार हो गया है, आग फिर से बोझ दिए हैं ताकि जो चोखा बनाने के लिए आग लाए थे वो बुझ गया था, इसलिए फ्रेश हम आग फिर से इसको लगाए हैं। और ये देखिए लिट्टी कच्चा लिट्टी इसको हम पकाएंगे अब, और ये देखिए चोखा जो है बिल्कुल रेडी है, लबालब चोखा, रहा नहीं जा रहा हमको चीखे बिना, थोड़ा सा चीख के टेस्ट कर लेते हैं। हाँ जबरदस्त, चलिए लिट्टी डालते हैं उसके हाथ थोड़ा धो लेते हैं। लगभग आपको 15 से 20 मिनट पकाना पड़ता है आग में, और ये देखिए लिट्टी जो है मेरा तैयार हो गया है। लिट्टी पकने के बाद चितकाबर टाइप का हो जाएगा, ब्लैक वाइट समझिए कि लिट्टी जो है पक गया है। आप इसको दबा के देख सकते हैं हल्का हल्का फटेगा, नज़दीक से दिखाते हैं आपको, लवा हो, और ये देखिए इस तरीके का आपको दिखेगा, ये रेडी हो गया लिट्टी बिल्कुल, ये सारा लिट्टी रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। इसको अब हम लोग गमछी में ऐसे डालेंगे
और गमछी में डाल के इसको झाड़ देंगे इसे, ताकि कोई भी कपड़ा हुआ पर निकाल के आप उसको ऐसा बिछा दीजिए और एक एक करके इसको आप इस पर डालते जाइए मेरे लाओ। और डालने के बाद ये डस्ट है ना वो छूट जाएगा इसमें से। तो अब थोड़ा सा आपका गमछी गंदा ज़रूर होगा, लेकिन अब एक बार धो लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। इसको ऐसे रख के ये देखिए, और इसको ये चीज़ करना होगा, थोड़ा सा कीजिए, उसके बाद पूरा पूरा आपका जो लिट्टी है फ्रेश हो जाएगा। और इसको हम लोग कहीं भी रख लेते हैं एक जगह, और इसको अब सर्व किया जाएगा। ये हो गया चोखा, ये रहा शुद्ध घी। बहुत लोगों का पसंद होता है, शुद्ध घी में डुबा के खाते हैं। और ये है गाय का शुद्ध मक्खन, मक्खन कच्चा मक्खन होता है जो कृष्ण भगवान खाया करते थे। अब इसके साथ हम लिट्टी ले लेते हैं अपना, और इस लिट्टी को खाया जाएगा यहाँ पे। भैया आप गमछी को उठाइए कपार पे, ऐसे बानिए पगड़ी तनी जबरदस्त, और उसके बाद चलिए लिट्टी लीजिए अपना। और लिट्टी लेके जिया हो बिहार के लाला, हाय जिया तू हजार साल, जिया है बिहार के लाला, हजार साला, जिया है बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया हो तू घोर बवाला, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार, तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलाव रे भैया, 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 तनी नाची गाई सबके मन बहलाव रे